भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। सिविल कोर्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, तो जिस अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा हुआ था उसी अपराधी की निशानदेही पे हम लोग कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए मीरगंज थाना क्षेत्र में टीम बना करके रेड कर रहे थे। उसी क्रम में तुरका पुल से आगे मीरगंज थावे बाईपास के पास पुलिस की गाड़ी जब रेड करने जा रही थी, उसी क्रम में चार अपराध कर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे, उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। तो हम लोगों के द्वारा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे, ये उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो चार अपराध कर्मी गोली चला रहे थे, उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत आया है, डैमेज हुआ है। और अभी अपराधी सेफ है, इसके घुटने में चोट है और इसको भी हम लोग रेफर कर रहे हैं और हम लोग पता कर रहे हैं कि जो चार अपराधी थे वो कौन थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, हम लोगों ने भी जवाबी और आत्मरक्षार्थ 7-8 राउंड फायर किया है, लेकिन हम लोग की अभी तक की जो हम लोग को नॉलेज है उसमें किसी को चोट लगी नहीं है और इसको जो चोट लगी है वो सामने जो चार अपराधी है उसकी फायरिंग से लगा है। सर, क्या सुरेश सिंह किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, कुछ सुरेश सिंह वर्तमान में दो अपराधी हैं जो गोपालगंज जेल में हैं, एक मन्नू तिवारी और एक शंभू सिंह, इन दोनों के लिए काम करता है और इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के कहने पर उसने कल यहाँ पर फायरिंग किया था। तो हमें लग रहा है कि या तो इसी को बचाने के लिए लोग आए थे या फिर इसको मारने के लिए लोग आए थे, तो उस सारे पहलुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं।